हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई हो करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। पिछली वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, काफी पॉजिटिव कमेंट्स आए, और उस कमेंट्स में ये भी था कि भैया नेक्स्ट वीडियो जो बनाना फुल डिटेल में बनाना, कि कौन सा पार्ट कहाँ से अरेंज करना है, कितने का रेंज होगा, सब सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि बाइक्स 24 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको घर बैठे ही बाइक सेल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ा हुआ है बाइक्स 24 का, आपने लिंक पर उट करना है, उसके बाद सीधा पहुंचोगे बाइक 24 के पेज पे। वहां पर अपनी बाइक की पूरी डिटेल डालनी है, कौन सा ईयर की है, कौन सा मॉडल रहने वाला है, सब कुछ आपने उसमें डिटेल डालनी है। देन उसके बाद आपने अपने हिसाब से डेट टाइम सेट करके आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेनी है। देन उसके बाद बाइक 24 से एक एक्सपर्ट आएगा, आपकी बाइक की पूरी इंस्पेक्शन करके उसकी रिपोर्ट बनाकर आपको बेस्ट प्राइस कोट करेगा। जो भी आपको प्राइस कोट करा जाएगा, अगर वो एक्सेप्टेबल है, आप उस प्राइस पे बाइक सेल करना चाहते हो, मुझे इतना पता है कि बाहर आफ्टर मार्केट जितने भी डीलर्स बैठे हैं उनसे बेस्ट प्राइस मिलता है, ठीक है जी। पहली चीज, दूसरी चीज ये है कि उनसे ज्यादा श्योरिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो कोट करा जाएगा प्राइस, अगर वो प्राइस में आप यस करते हो तो नेक्स्ट डे जो है आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट हो जाएगी, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और बाइक 24 का सबसे अच्छा मुझे फंडा ये लगता है कि बाइक 24 कभी भी आपसे बाइक परचेस करके किसी दूसरे बायर को बेचता है तो वो ट्रांसफर करा के ही बेचता है। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी बाइक लेने के बाद ये ट्रांसफर कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो इस चीज के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास अपनी बाइक सेल करो। तो फटाफट जाओ लिंक पर चेकआउट करो और अपनी बाइक की प्रॉपर डिटेल डाल के अपनी बाइक बेस्ट प्राइस में सेल करो। तो दोस्तों ऐसी कुछ बाइक रहने वाली है अपनी, देख सकते हैं इसका लुक जो है कितना आगे से भारी हो गया, कितनी अग्रेसिव हो गई है ये बाइक, देख सकते हैं आप। बाकी अगर बात करूं इसके लुक की, तो लुक आपके सामने देख सकते हैं, फ्रंट से साइड से ऐसी दिखती है। अगर फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट से आप ऐसे हो गए तो अगर आपको प्लेट दिख जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज जो है बिल्कुल ऐसे देखोगे तो आपको पता ही चलेगा कि भाई कुछ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। बट अगर साइड से नज़र मारोगे तो हमारी स्प्लेंडर देखने को ऐसी मिलेगी। और बात करें फिटमेंट की, तो फिटमेंट कैसे हुई है, काफ़ी सारे लोगों के डाउट थे कि जो इसकी अपर टी होती है, लोअर टी होती है, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ना तो मुझे ये चेंज कराना पड़ा और ना ही मुझे ये वाला पार्ट चेंज कराना पड़ा। सिंपल सा प्रोसेस था कि यहाँ से जो बोल्ट है, ये बोल्ट भैया ने ओपन करा, यहाँ से ये वाला बोल्ट ओपन करा, और ये वाला जो फोर्क है कंप्लीट, पहले एक्सल से ना बाहर निकाल के उन्होंने व्हील निकाल दिया था, ठीक है, और फिर ये कंप्लीट बाहर निकाला। और फिर उसके बाद ये जो है, ये फ्रंट फोक देख रहे हो कंप्लीट, ये ग्लैमर बाइक का है दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं काम करता हूँ, पहले आपको सामान गिनवा देता हूँ कौन सी बाइक का इसमें यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे मास्टर सिलेंडर की, जो सिलेंडर और ये डिब्बी दिख रही है आपको, ठीक है। और ये लीवर, ये अपाचे का है RTR का, ठीक है, 180 सीसी या 160 सीसी जो भी आती है उसका है, पुरानी वाली का। तो ये कंप्लीट जो है पाइप के साथ, ये अपाचे का रहने वाला है। नीचे कैलिपर की बात करूँ तो होंडा यूनिकॉर्न की कैलिपर है ये, ठीक है। इसके कलर पर मत जज करना क्योंकि ये थोड़े दिनों में पेंट हो जाएगा। बाकी ये शॉकर और ये, मतलब दोनों शॉकर जो है कंप्लीट, ये ग्लैमर बाइक के हैं। जी हाँ दोस्तों, हीरो की ग्लैमर बाइक आती है उसका है ये। अगर इसकी बात करूँ प्लेट की, तो प्लेट ये लगा लो, नई डलवानी पड़ी लास्ट में आकर, वरना पुरानी से काम नहीं बन पा रहा था क्योंकि टायर थोड़ा जाम चल रहा था इसकी वजह से। तो ये जो प्लेट है ये हीरो की ग्लैमर जो आती है उसका ही है, और जो रिम है ये भी हीरो की ग्लैमर का है, ठीक है जी। तो ये सामान इसमें मैंने लगाया। फिटिंग की बता दूँ तो सिंपल है, कुछ नहीं कराना आपको। ये वाला फोर्क मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने तो सेटअप डलवाया, आपने सेटअप भी डलवानी है। अगर आपके पास नॉर्मल स्प्लेंडर है व्हील वाली, तो आपको अलॉय व्हील पुराना अरेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लेट नई ले लेना, और ये कैलिपर जो है ये भी नया लेना, 1200-1300 रुपये का ये, 400-500 रुपये के अंदर ये, ठीक है जी। और एक ये जो है अब्जॉर्वर, ठीक है, ये नया ख़रीद लेना आप, जिसमें ये जो बोल्ट की फिटिंग आ जाए यहाँ पे, ठीक है, हीरो का है देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ख़रीद लेना 700-800 या 1000 रुपये के अंदर ये आना चाहिए। तो ये नई की बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3 ये चीज़ आप नई ले लेना, और एक मास्टर सिलेंडर नहीं लेना। तो चार चीज़ें आपको नई लेनी पड़ेंगी, व्हील पुराना ले लो कोई दिक्कत नहीं है, और इस साइड का जो है ना खाली ये ले लेना, बाकी ये जो रॉड है शॉकर रॉड दोनों ये चल जाएंगी आपकी, ठीक है। अगर बैलेंस फिर भी मिसमैच हो रहा हो तो अंदर एक इसके अंदर स्प्रिंग होती है, वो भी मिल जाती है आपको कंपनी से, तो वो लेके इसमें लगवाया ना आपका जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। अब मेरा मेथड क्या था और मेरा क्यों मैंने पुराना सेटअप डलवाया, सीन ये था कि मैं डलवाने को मैं नया डलवाया था, लेकिन ये था कि बहुत सारे कम्युनिटी में अपने भाई ऐसे हैं, अपनी फैमिली के मेम्बर हैं जो महंगा मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते, नया नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इस वजह से ये चीप रेट पे काम हुआ है। बाकी अगर मानूँ तो ज़्यादा महंगा नहीं है, अगर ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है प्राइसिंग में, क्योंकि 450 रुपये लगा लो अप्रॉक्स, 500 और ये 1200 का 100 इसमें लगा दो 1300 हो गए, तो 13-5 और कितने हो गए 1800, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल से 1000 रुपये का अंदर होना चाहिए, लेकिन फिर भी 1000 लगा लो, 18 और 1000 2800, ठीक है जी। ये सिलेंडर भी मान लो 1000 रुपये के अंदर मान लो कंप्लीट, तो वो 2829-3800 है, ठीक है, 3800 रुपये। फिर लेबर कॉस्ट मतलब 5000 रुपये के अंदर, नहीं 3800 ही हो गए, पुराना अलॉय व्हील अगर लेते हो तो 1000 रुपये का पुराना अलॉय व्हील भी मान के चलो,
ठीक है, पाइप मान लो कम से कम 400-500 रुपये के अंदर, मतलब ये लगा लो 5,500-6,000 रुपये विथ फिटिंग के साथ, मतलब कि 5,500-6,000 रुपये के अंदर ये काम आपका नया हो जाएगा, सिर्फ लेवल पुराना रहेगा। लेकिन अगर आप जैसे मैंने कराया तो मैं आपको बता दूँ, मैंने 2,500 रुपये के अंदर ये रिम, ये प्लेट तो चलो मेरी वेस्ट हो गई तो हटा दो, तो रिम प्लेट को ऐड कर रहा हूँ फिलहाल 500-2,500 में, तो रिम मिल गया, प्लेट मिल गई, कैलिपर मिल गया, कंप्लीट पाइप मिल गया, ये लीवर और ये मास्टर सिलेंडर, तो ये सारे कुछ मेरे को 2,500 रुपये में पड़ा। ठीक है, लेकिन 2,500 के बाद मैंने क्या करा, 450-450 रुपये की इसके अंदर ये प्लेट नहीं ऐड ऑन कराई है। ठीक है, 450-450 रुपये की प्लेट प्लस इसके अंदर पता नहीं 200-250 रुपये के डिस्पैड, और आपका ये लगा लो, अभी आपने पिछली वीडियो देखी तुमने, शॉकर सील भी डलवाई क्योंकि शॉकर इसके लीक थे। ठीक है, ये मेरी किस्मत है, वैसे तो इस पर डेंट आ रखे हैं छोटे छोटे, अब पता नहीं कैसे चल रही है, अब तक चल रही है, लेकिन जब तक चल रही चला रहे हैं, नहीं तो बाद में जो मैं आपको बता रहा हूँ मेथड के इसका ग्लास चेंज हो जाएगा, तो आप जो है अपनी नई रॉड, अपनी वो जो स्टॉक रॉड होती है वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी डिटेल मैंने आपको दे दी है, बाकी अब आपके ऊपर है कि आपको नया सामान डलवाना है पुराना डलवाना है। अच्छा, पुराने की बता दूं कि कहाँ से अवेलेबल होगा, जैसे जहाँ से मैंने लिया है तो वो जहाँ से मैंने लिया है वो जगह का नाम रहने वाला है लालकुआ। ठीक है जी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ नहीं जाना, दूर पड़ रहा है, तो गोकुलपुरी मार्केट है जहाँ मैं बहुत पहले गया था, मैंने वीडियो भी दिखाई थी आपको, तो गोकुलपुरी चले जा सकते हो आप, मायापुर जा सकते हो, या फिर आप जा सकते हो जामा मस्जिद है उसके सामने भी, मतलब थोड़ा सा ऐसा मतलब स्क्रैप में सामान मिलता है, तो वहाँ से भी अरेंज कर सकते हो। नहीं तो फिर वही है कि सिंपल सा कंपनी जाओ हीरो के, एक ये ग्लास नया ले लो, प्लेट नहीं ले लो, कैलिपर ले लो, पाइप ले लो, ये ले लो, एकदम 00 फिटिंग, कोई भी ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कौन सी बाइक का सामान लग जाएगा, ग्लैमर, ठीक है जी, एक्सप्रो, पैशन एक्सप्रो, पैशन प्लस, और वो होंडा की हीरो की अचीवर आई थी, वो लगा सकते हो। ये जो सामान, मतलब इन बाइक का ना एब्जॉर्वर का साइज सेम है, जिसकी वजह से आपको अपर टी लोअर टी, मतलब सॉरी अपर और लोअर टी में कुछ ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फिट है 00। और सबसे अच्छी बात है कि जो इसके स्टॉक जो शॉकर थे मेरी बाइक के स्प्लेंडर के, उसकी हाइट और इन शॉकर की हाइट बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी हाइट में चेंजेस नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेकिंग, आप ब्रेक मारो और हाथ छोड़ो, आपकी बाइक लेफ्ट राइट नहीं जाएगी, ब्रेक मारो तो सेम काम करती है, बहुत अच्छा। बाकी अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ चलते टाइम लुक कैसा आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको ना अभी चला के दिखाऊंगा इसकी बाइक की जो फ्रंट वाली ब्रेकिंग है वो दिखाऊंगा, रियर ब्रेक यूज़ नहीं करने वाला बिल्कुल भी, मतलब फ्रंट ब्रेक ही दिखाऊंगा, फ्रंट ब्रेक कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, ये आपको पता चल जाएगा अभी, तो स्टे ट्यून्ड। तो हाइट में आपको दिख रहा होगा, हाइट में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जब हाइट थी इसकी स्टॉक वही रहने वाली है, इवन जब से शॉकर भरवाएं तो थोड़ी सी हाइट मुझे ज़्यादा लग रही है, ऐसा क्यों पता नहीं, बता के आप, बाकी आप बताना आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, वो ब्रेक है वो एकदम ओके काम कर रही है। ठीक है, जैसे सकते हैं आप कैसे ब्रेक काम कर रही है, तो बहुत क्लास है। आप इसकी जो ब्रेकिंग है बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड है, देख सकते हैं स्किट लग रही है प्रॉपर। ठीक है, एक बार उसका भी करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, मैं ज़्यादा हार्ड नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ बजरी पड़ी है, पता चला स्लिप हो जाए, गाड़ी गिर जाए, वो सही नहीं, लेकिन ब्रेकिंग एक नंबर लग रही है। ठीक है, तो फटाफट से एक शॉट मैं मारता हूँ, आप देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये शॉर्ट्स अच्छे लगे होंगे, मतलब कि डिस्क ब्रेक जो जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है अच्छा लगा होगा, सेटिस्फाइड हो गए देखकर। तो भाई आप बेझिझक अगर ये काम कराना है आपको तो करा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ना ही कोई बैलेंस की दिक्कत आएगी, ना ही ब्रेकिंग की दिक्कत आएगी, ना ही आपके कंफर्ट जोन में कोई फर्क पड़ने वाला है। इवन आपकी ब्रेकिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, मतलब राइडिंग जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा लो की जगह। क्योंकि देखो ड्रम ब्रेक जो होती है वो ड्रम ब्रेक होती है, बट डिस्क ब्रेक जो होती है वो इनिशियल जैसे ही आप टच करोगे वैसे ही काम करती है। तो मतलब मेरे हिसाब से ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी और ब्रेकिंग जो है काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी आपको ये लगवाने के बाद, और लुक जो है वो तो एनहेंस होता ही। बाकी एक बार और लुक पर नज़र मारें तो देख सकते हैं आप। सो गाइस होप करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये डिटेल मैंने जो आपको बताई समझ में आ गई होगी और दिमाग से डाउट निकल गए होंगे भाई हमारे बाइक में होगा या नहीं होगा। सबकी स्प्लेंडर में जो जो मैंने सामान बताया वो इजीली फिक्स होगा, कोई वेल्डिंग कराने की जरूरत नहीं, कोई कटिंग कराने की जरूरत नहीं है। तो होप करता हूँ आपको ये डिटेल सुनकर जानकर अच्छा लगा होगा, सेटिस्फाइड होगे, मन से सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी नोट पे वीडियो को मैं एंड करूँगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, दोस्तों का शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी अपनी बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक चाहें तो लगवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। और हाँ भाई, केदारनाथ के लिए तैयार हो जाओ, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि भाई धूम मचाने वाला हूँ। चलो मिलते हैं, बाय बाय।